इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। तिवारी जी कुछ अच्छा ही करते हैं, इस साल भी कुछ नायाब कर रहे होंगे पक्का। उनको दिल से मतलब दुआएं देता हूं उनके लिए कि वो अच्छा करते रहें और लोगों को सराहते रहें। अवार्ड जिंदगी के दूसरा कंसेप्ट है, इट्स फॉर द मार्टियर्स ऑफ द नेशन। जो लोग सरहद पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं आपको और मेरे को सुकून देने के लिए, उन महारथियों को, उनके परिवारों को इकट्ठा करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। सर क्या कहते हैं, मैं राजन सर हूं और अनिल सर जब सामने होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बोल पाऊंगा। सिंपली ग्रेट पर्सन, और चार्ली चैपलिन दुनिया को हंसाता है लेकिन सर चार्ली चैपलिन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा प्यार मिलता रहा है और इंडस्ट्री में तमाम लोगों को सर बहुत प्यार करते हैं, एक अच्छी बात है। मेरी फिल्म आ रही है नमस्ते बिहार, सर से वही मैं बात कर रहा था कि ये एकदम डिफरेंट फिल्म है। अक्सर हम बिहार के बारे में सुनते रहते हैं कि वहाँ क्राइम ज़्यादा है, वहाँ चीज़ें इस तरह से होती हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ कि अनिल सर का भी बिहार प्रेम बढ़ा है इन दिनों बहुत ज़्यादा। कई विजिट इन्होंने किया है वहाँ, वहाँ के विलेज में जाकर वहाँ के लोगों के लिए काम करना, तो कहीं ना कहीं नमस्ते बिहार इनके सपनों को भी सामने लाने का काम कर रही है, क्योंकि हमने उसमें एक बिहार का जो एक गौरवमय इतिहास है वो दिखाने की कोशिश की है। वहाँ से भगवान बुद्ध निकले, महावीरा निकले वहाँ से, और भी जो अभी सुपर 30 की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में रहकर और बिहार से बाहर रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नमस्ते बिहार उन अच्छाइयों को लेकर सामने आ रही है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। नमस्ते बिहार। थैंक यू। हाँ, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो मेरा ये जो कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन 2, ये वर्ल्ड फेमस है। चार्ली फर्स्ट लंदन में पैदा हुए थे और चार्ली चैपलिन 2 इंडिया का है, और इसी वजह से क्योंकि मैंने 4050 शोज़ अब तक कंप्लीट किए हैं चार्ली चैपलिन 2 के रूप में, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जाने तमाम रिकॉर्ड बुक्स में इस कैरेक्टर का नाम शामिल हुआ है। और लगातार मैं चार्ली चैपलिन 2 को जिए जा रहा हूँ कि जब भी मैं स्टेज पर चार्ली चैपलिन को जीता हूँ तो ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि चार्ली फिर से ज़िंदा हो गया है। और इसी साल से हमने चार्ली चैपलिन फेस्टिवल की शुरुआत की है, जो कि पहला फेस्टिवल हुआ था जुहू जिमखाना क्लब में। नेक्स्ट ईयर अप्रैल में फिर से हम इस फेस्टिवल को करेंगे सेकेंड एडिशन में। चार्ली लवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो चार्ली से बहुत प्यार करते हैं, वो उनको हम इनवाइट करते हैं यहाँ और वो अपने तरीके से परफॉर्म करते हैं रिलेटेड विद द चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन मेरे जहन में है और अभिनेता के तौर पर, राजन के तौर पर, हीरो के तौर पर मैं चार्ली को महसूस करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें चार्ली चैपलिन 2 का खिताब दिया हुआ है, उस सर्टिफिकेट में मेंशन किया है कि आप चार्ली चैपलिन सेकंड हैं। तो सेकंड होने के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और लगातार मैं उसके शोज़ को अराउंड द वर्ल्ड ऑडियंस के सामने कर रहा हूँ। 4050 शोज़ मेरे पूरे हुए हैं जिसकी वजह से तमाम रिकॉर्ड बुक्स ने हमारे रिकॉर्ड्स को शामिल किया हुआ है। आप एक करके दिखाएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल, मैं चार्ली चैपलिन करके आपको दिखाऊंगा। Thank you.